आप जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। आप कैसे ये डिसीजन लेंगे? नोटबंदी की तरह आप कुछ भी बेवकूफाना हरकत कर लेते हैं, रात में सोते हैं, लगता सपने में देखते हैं, सुबह उठ के डिसीजन ले लेते हैं। आपने किस विशेषज्ञ से बात करा, संसद में बात रखा, किनसे पूछा, युवाओं से पूछा? उसके बाद वो क्या करेगा, जो सेना का जो होता है खुफिया होता है वो तो किसी और देश को बेचना चाहेगा ना, या तो उग्रवाद बनेगा, फिर बंदूक चलाने आ गया तो उग्रवाद बन जाएगा। बीजेपी के कुछ और हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ दलाल रखे हैं, विवादित योजना लाते हैं और जब विवाद होता है तो उसके पीछे दलालों को लगा देते हैं कि आप उनको जाओ समझाओ, मार्केटिंग करते हैं। नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूं आपका भौकाल टीवी में, और इस वक्त मैं मौजूद हूं बिल्कुल राजभवन के समक्ष, जहां पे आप देख सकते हैं कि अग्निपथ के विरोध में युवा राष्ट्रीय जनता दल का मुरबादी से जो है राजभवन तक पैदल मार्च हुआ है। वैसे मैं बताते चलूं कि काफ़ी दिनों से सरकार ने जब अग्निपथ योजनाएँ लागू की तब से युवाओं में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। बिहार हो या अन्य जगहों हो, काफ़ी जगहों में तोड़ फोड़ देखी जा रही है, ट्रेनें जला दी जा रही है, बसें जला दी जा रही, वहीं कहीं ना कहीं विरोध में जो है टायर सब जलाए जा रहे हैं और उनका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया जा रहा है। वहीं कहीं ना कहीं आज जो है राजद के लोग जो है उतरे हैं उनके विरोध में। आखिरकार उनके योजनाओं में भी बदलाव हुआ है कि जो अग्निपथ योजना में जो शामिल होते हैं और रिटायर करने के बाद जो सरकारी नौकरियाँ मिलती है उन पर डायरेक्ट उन लोगों की बहाली हो सकती है, पर कहने की बात तो ये है कि बहाली तो अभी हो ही नहीं रही है, चाहे वो रेलवे की हो चाहे अन्य चीज़ों की बहाली हो। वहीं कहीं ना कहीं हम यहाँ देख सकते हैं कि राजद के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और काफ़ी तरह से आक्रोश जता रहे हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। वहीं हम इन लोगों से जानेंगे कि और क्या कुछ कहना है। हालांकि युवाओं का हाल हमने आपको दिखाया था कि क्या कुछ हो रहा है, उन लोगों की सिर्फ एक ही मांग थी कि सिर्फ एग्ज़ाम उनका ले लिया जाए, क्योंकि काफ़ी कुछ तैयारियों के बाद आज ये इस नतीजे में पहुँच गए हैं कि एग्ज़ाम नहीं ली जा रही। एग्ज़ाम लेने की भी बात आई तो उसमें इस तरह के बदलाव कर दी गई है। तो वहीं हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका और क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज आप लोग मुरादाबादी से लेकर राजभवन के समक्ष पैदल मार्च निकाले हैं अग्निपथ योजना के विरोध में। देखिए, अग्निपथ जो है युवाओं को सिर्फ छलने का काम कर रही है केंद्र सरकार। सबसे पहली बात है कि केंद्र सरकार कोई भी योजना लाती है तो उसको यहाँ के लोग को समझ में नहीं आता। सीए एनआरसी आया तो वहाँ के उस लोगों को समझ नहीं आया, जीएसटी आया तो वहाँ पर समझ नहीं आया, और नोटबंदी आया तो अर्थशास्त्र वालों को समझ नहीं आया। अब युवाओं के लिए अग्निपथ लाया गया तो युवाओं को समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं अग्निपथ से? अब बताइए कि बोला जा रहा है कि युवा गलत काम कर रहे हैं रेलवे के, आज अग्निवीर जितने भी बनने जाएंगे तो उनसे पूछ देखा जाए तो 4 साल के बाद रिटायर कर जाएंगे, राइट? रिटायर करेंगे, उसके बाद क्या लगता है केंद्र सरकार जो बोल रहे हैं कि उसके बाद नौकरियां मिलेगी, लगता है कि कोई भी युवा 4 साल पढ़ाई कर पाएगा? और एक रिटायर्ड जनरल बोलते हैं कि एक जवान को बनाने में 5 साल लगता है, तो कैसे बन जाएगा 4 साल में वो जवान बन जाएगा, आर्मी में पास हो जाएगा? तो आज कहने का मतलब है तो पहले तो युवाओं को पहले केंद्र सरकार पैसा दिखा देगी कि आपको महीना में 21,800 रुपया मिलेगा पहला वर्ष, दूसरे वर्ष 23,800 रुपया मिलेगा, उसके तरीका 4 साल पैसा दिखा देगा युवाओं को, उसके बाद उसको निकाल देगा। जब युवाओं को पैसा नज़र आ जाएगा, जब वो घर में बैठेगा तो उसके पास तो पैसा नहीं रहेगा, वो माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा, जो सेना का जो होता है खुफिया होता है वो तो किसी और देश को बेचना चाहेगा ना, या तो उग्रवाद बनेगा, क्योंकि बंदूक चलाने आ गया तो उग्रवाद बन जाएगा। आखिर ये नौकरियां केंद्र सरकार अभी, अभी, अभी जैसे कि बदलाव भी की गई है, ये बात पता चली आपको कि बदलाव भी हुआ है? बदलाव हुआ है तो ये बताइए, रेलवे का बदलाव किया गया है या अग्निवीर वाले लोगों को रेलवे में नौकरी मिलेगा, तो ये बताइए 3 साल से नौकरियां निकली है रेलवे में? सचिवालय में 2 साल से निकला है नौकरी? नहीं निकला है, तो क्या उम्मीद है कि केंद्र सरकार उस लोगों को नौकरियां देगी? कोई उम्मीद नहीं है। इसका विरोध पूरा युवा कर रहा है और 2024 में पूरा भारत की जनता मोदी को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगी और देखते रहेंगे मोदी और अमित शाह बैठकर। तो जैसा कि आपने सुना कि मोदी सरकार पर और केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर जमकर इन्होंने निशाना साधा, वहीं कहीं ना कहीं यहां पे हम और लोगों से बातें करेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका। क्या कहना चाहेंगे सर, जो अभी अग्निपथ योजना को लेकर काफी कुछ बदलाव आई है, जो आरओ में हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी बदलाव बताया गया है? देखिए, इनके कुछ दलाल हैं
बीजेपी के कुछ और हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ दलाल रखे हैं, विवादित योजना लाते हैं। अब जब विवाद होता है तो उसके पीछे दलालों को लगा देते हैं कि आप उनको जाओ समझाओ, मार्केटिंग करते हैं। हर विभाग हर योजना के साथ उन्होंने मार्केटिंग किया। ऐसे ही किसान योजना जो है, जो किसानों के लिए जो योजना लाए थे, जो किसान एक साल तक सड़क पे था उसके लिए भी उन्होंने मार्केटिंग कर रहे थे और किसानों को लाख समझाने की कोशिश कर रहे थे। कितने बड़े बड़े लोग को लगाए, अपने दलालों को लगाए कि उसको समझाओ कि इस तरह की योजना को आपके फायदेमंद है। लेकिन हमारे देश के जो लोग हैं चलाक हैं और सेम उसी तरह का आज योजना हमारे देश के युवा के साथ लाए हैं। तो आप सब तो चल गया, लेकिन देश का युवा आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि देश का युवा भविष्य होता है। आप भविष्य के देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी, मैं कहता हूँ, अमित शाह जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को भेजिए, सरहद पे भेजिए, एक साल के लिए भेजिए। एक साल में उनको पता चलेगा कि क्या होता है सरहद, किस तरह हमारे जवान सरहद पे अपना जान को निछावर करके देश को बचाते हैं, देश की रक्षा करते हैं। लेकिन आप उससे खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको भी आपने छेड़छाड़ कर दिया, सेल ट्रेन भेल बेल सब बेच दिया। इसके बाद आप अब डिफेंस को बेचने जा रहे हैं। इस तरह का हमारे देश के युवा कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और देश के युवा जग चुके हैं, सड़क पे है, क्योंकि उनको रोजगार नहीं था, उन्होंने रोजगार मांग रहे थे, रोजगार के बदले उनके साथ अब छलावा कर रहे हैं, लॉलीपॉप दिखा के उनको अब ठगना चाह रहे हैं। हमारे देश के युवा ठगने वाले नहीं हैं, चलाक हैं और बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और आप बोलते हैं कि आपको हम 11 लाख देंगे, कहाँ से देंगे? वही 4 साल काटते हैं, 9 में 10 में 9,000 10,000 11,000 12,000 काटते हैं हर साल, उनके वेतन से काटे गए। और वही फिर आप देंगे, वही इंटरेस्ट के साथ आप जोड़ के देते हैं, तो कहते हैं मैं अपने से 11 लाख उनको दे रहा हूँ, उनका भविष्य क्या होगा? 4 साल बाद वो कहाँ जाएंगे? तो क्या कहना है आपका कि सरकार जो है लोगों को ठगने की पूरी तरह से प्रयास कर ली है? पूरी तरह से प्रयास कर ली है और देश का युवा बंगलाई ले चुका है, देश का युवा समझ चुका है कि केंद्र में बैठी सरकार देश के लिए क्या कर रही है और देश को किस तरफ ले जा रही है। देश को तोड़ रही है, देश को जोड़ नहीं रही है। और देश को तोड़ने से हमारे देश के युवा को युवा बचाएंगे और ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारे देश के युवा। इसलिए जब तक अग्निपथ योजना वापस नहीं लेंगे, हमारे देश के युवा निरंतर हम लोग इसी तरह का आंदोलन करते रहेंगे। और देश में आंदोलन शांतिपुर हम लोहिया को, जयप्रकाश नारायण यादव को, कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले हैं। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी, हम लोग शांति और सामाजिक न्याय के नेता को मानने वाले हैं। हम कभी हिंसा पर विश्वास नहीं करते, हम हिंसा करने वाले नहीं हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन करके इस योजना को हम वापस करेंगे। रंजन कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय जनता दल। अग्निपथ योजना को लेकर के आप लोग विरोध प्रदर्शन किया और पैदल मार्च मुरादाबाद लेके राजभवन तक निकाला, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, सरकार कोई विकल्प नहीं छोड़ी है। देश के युवाओं का जो इसके प्रति विचार है, जो रखते हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उसको देख के सरकार को तुरंत समझ लेना चाहिए था कि इसके लिए देश तैयार नहीं है और इसके इस योजना के साथ नहीं है। तो उनको अभी तक अपने कदम को पीछे रख लेना चाहिए था। लेकिन ये हिटलर शाही वाली बात है, ये हर बात को अपने युगों पे लेते हैं, देश की भलाई की नहीं सोचते, ना जनता के बारे में सोचते हैं, ना ही युवाओं की के बारे में सोचते हैं। इसलिए इनको अपनी योजना वापस लेने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है, पहली बात। दूसरी बात कि इन्हें याद होना चाहिए कि किसान कानून के लिए भी शर्मिंदा की वजह से बच्चों का जो भविष्य अंधकार में चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों का भविष्य ही नहीं, देश की जो सुरक्षा है वो भी अंधकार में। ये जब नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बने थे और तुरंत पीएम भी बने थे, तो देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात इन्होंने किया था, है ना। और आज 4 साल बाद जब ट्रेंड हो जाएंगे, जब वो कुछ सीख लेंगे अपने अनुभव से कि देश की सुरक्षा के लिए कैसे वर्क करना है, तब उन्हें भी ये रिटायर कर देंगे। अगर आपको ये राह दिखाना है कि 4 साल ही नौकरी काफ़ी है, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और जितने भी मंत्री हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे भी उनका उम्र हो चुका है रिटायरमेंट का, तो वो दे दें। और सबसे पहले अपने भत्ता और पेंशन को बंद करें, जितनी भी सुविधाएं उनको मिलती है उसको बंद करें, ये देश के लिए हित में होगा। अगर नहीं कर सकते हैं तो छलावा ना करें, ये बहुरुपिया वाले काम वो लोग ना करें। क्या कहना चाहेंगे, अभी कुछ बदलाव भी आया है?
हाँ 6 साल के बोले हैं कि शायद 6 साल कर देंगे, ये सब पर्याप्त नहीं है, आप जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। आप कैसे ये डिसीजन ले लिए, नोटबंदी की तरह आप कुछ भी बेवकूफाना हरकत कर लेते हैं, रात में सोते हैं लगता है सपने में देखते हैं, सुबह उठ के डिसीजन ले लेते हैं। आपने किस विशेषज्ञ से बात करा, संसद में बात रखा, किन से पूछा, युवाओं से पूछा, बिना कुछ सोच विचार किए इस तरह का डिसीजन लेना, ये हिटलर शाही दिखाता है। और हमारा देश संविधान के अनुसार चलता है, हिटलर शाही के अनुसार नहीं चलेगा, ये उनको सोच लेना। मेरा नाम अनीता यादव है, हम राष्ट्रीय जनता दल में मुख्य विंग में प्रदेश प्रवक्ता हैं। और जैसा कि आपने सुना कि इन लोगों पे भी वो आक्रोश देखने को मिल रहा है जो कि युवाओं में देखने को मिल रहा है, युवाओं की तो सिर्फ एक ही इच्छा है कि उनकी एग्ज़ाम लिए जाए। एग्ज़ाम के बाद जो बातें आई है सामने कि कुछ बदलाव हो चुकी है, उनके विरोध में भी जो है लोग यहाँ पे पैदल मार्च निकाले थे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे भोकाल टीवी के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।